नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वेज लेबर लॉ के बारे में, या फिर किसी भी देश में, चाहे आप इंडिया में जॉब कर रही हैं महिलाओं के बारे में खास तौर से बात करेंगे, चाहे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन कहीं पर भी काम कर रही हैं, नियम सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्ट अलग हो जाते हैं, धाराएँ अलग लग जाती हैं लेबर लॉ में। जी हाँ, महिलाओं के बारे में खास करेंगे, खास तौर से गर्भवती महिलाएं जो गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान मातृत्व अवकाश, मातृत्व छुट्टी मिलती हैं, जिनको बोल सकते हैं प्रेगनेंसी छुट्टी बोल सकती हैं, जो अलग अलग छुट्टियां हो सकती हैं इंडिया में, हालांकि ये छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं, 4 से 6 महीने तक की कई बार छुट्टियाँ मिल जाती हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। बाकी हम बात करेंगे कि वीआई में, दुबई में अगर कोई महिला जॉब कर रही है और उस दौरान उसके मातृत्व यानी गर्भावस्था के दौरान उनके क्या अधिकार मिलते हैं, छुट्टी के बारे में, जॉब के बारे में, या इनके बारे में बात करेंगे डिटेल से। वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको वीआई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए महिलाओं का ये पहला अधिकार है कि गर्भावस्था के दौरान मातृत्व इनको छुट्टी मिलती है, मातृत्व दिवस के नाम से इस तरह से छुट्टियां होती हैं जो इनका मिलती हैं, जेन्युइन है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कंपनियां नाटक करती हैं। जी हाँ, कंपनी, हम तो दुबई से बाहर हैं, हम तो फ्री जोन में आते हैं, हमारे ऊपर ये नियम लागू नहीं होते, या हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे, आपको इतनी छुट्टी नहीं देंगे, या हम आपको जॉब से निकाल देंगे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कंपनियां। और ख़ास तौर से जो कंपनी के अपने आप को मैनेजर बने घूमते हैं ना, ये जिनकी इंडिया में कोई वैल्यू नहीं होती है, पाकिस्तान में वैल्यू नहीं होती है, वहाँ जाके वो मैनेजर बन जाते हैं, वो ज़्यादा हेकड़ी करते हैं इन चीज़ों में। जी हाँ, देखा है, प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें हुई हैं। जी हाँ, तो मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ कि दुबई का जो लेबर लॉ बना है 1980, जी हाँ, उसमें एक एक्ट है एट, और उसमें अनुच्छेद बता दूं 80, यानी 80 एक्ट है 80। जी हाँ, उसमें ये पूरा प्रोसेस छुट्टी के बारे में दिया गया है। जो ये बात बोलते हैं ना कि हम बाहर फ्री जोन में आते हैं, हमारे ये है, हमारे वो है, आपको छुट्टी नहीं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। जी हाँ, बता दूं, अगर कोई कंपनी दुबई से बाहर हो या अंदर हो, चाहे कंपनी जंगल में हो, नियम सेम दुबई के लागू होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कहीं पर भी हो, गर्भावस्था के दौरान महिला को 45 डेज की छुट्टी मिलती है। जी हाँ बिल्कुल, और उसकी तनख्वाह भी उस कंपनी को देनी होती है, अच्छी कंपनियां तो पूरी भी दे देती हैं, कई कंपनियां आधी, तो अनुच्छेद में लिखा आधी सैलरी उनको देनी होगी। जी हाँ, चाहे वो उन्होंने एक साल की पूरी नौकरी नहीं की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्रेगनेंसी गर्भावस्था ये नहीं होता कि वो एक साल के बाद ऐसा कुछ होने वाला है, ये एक ऊपर की एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, प्राकृतिक है, ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो इसके अंदर बता दूं, कंपनियां बोलती हैं एक साल की आपने ड्यूटी पूरी नहीं की तो हम आपको 45 दिन की छुट्टी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने ड्यूटी 6 महीने की है फिर भी आप गर्भावस्था के दौरान आपको लीव सैलरी और आपकी ड्यूटी, आपकी छुट्टी 45 डेज की आपका पूरा अधिकार है, आप ले सकते हैं। जी हाँ, फिर भी मान लीजिए गर्भावस्था में छुट्टी 45 दिन की कंप्लीट हो गई, आधी सैलरी आपको मिल रही, फिर भी उन्होंने 45 डेज की छुट्टी भी ले ली, उनको तनख्वाह भी मिल गई, ठीक है, उसके बावजूद भी वो 100 डेज तक, जी हाँ, लगभग 3-3.5 महीने तक भी वो कंपनी में नहीं आती है, तो कंपनी उनके खिलाफ में लीगल एक्शन नहीं ले सकती है, उनको जॉब से नहीं निकाल सकती है। जी हाँ, क्योंकि नहीं आने के पीछे उनके पास रीजन हो सकता है, मेडिकली रीजन, अगर वो बीमार हैं कंपनी में जाके उनको उपस्थिति देके बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं बीमार हूँ, उनको करना कुछ नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से एक प्रमाण पत्र लेना है, हॉस्पिटल के आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, लीगल डॉक्यूमेंट हैं, वो प्रमाण आपके पास सर्टिफिकेट हैं, वो कंपनी में आप जब भी आप ड्यूटी पर उपस्थित हों आप वो डॉक्यूमेंट दे सकती हैं कि मैं इतने टाइम से बीमार थी, ये मेरे लीगल डॉक्यूमेंट, आप चेक कर सकते हैं, तो कंपनी उनको ड्यूटी पे वापस रखना पड़ेगा, वो उनको जॉब से बाहर नहीं निकाल सकती। जी हाँ, हाँ आपको ये भी बात बता दूं कि कंपनी बोल देती है आपने वो 1.5 महीने की छुट्टी पहले ले लीजिए, अभी हम आपको छुट्टी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, वो छुट्टी अलग होती है, वो छुट्टियां अलग हैं, जो नेचुरली छुट्टियां ना कंपनी की छुट्टियां, एक साल की छुट्टी मिलती है, वो छुट्टियां अलग है, उसका प्रोसेस अलग होगा। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि आपने मातृत्व अवकाश में गर्भावस्था में 1.5 महीने की छुट्टी ली थी तो अब आपको 1 साल के 2 साल के बाद में छुट्टी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, वो छुट्टियां अलग थी, ये छुट्टियां नेचुरल हैं जिनमें सबका अधिकार है, वो छुट्टियां उनके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये दुबई के लेबर लॉ में साफ साफ बातें लिखी गई। तो आप ये बातें समझ गए होंगे, पूरी जानकारी मैंने कोशिश की कि छुट्टी के बारे में, लीव सैलरी के बारे में, आपकी गर्भावस्था छुट्टी के बारे में, कोई भी कंपनी कोई भी किसी तरह की नाटकबाजी करे तो आप इनको ये बातें बता सकते हैं। जी हाँ, एक महिला को पूरी दुबई में, पूरी वीआई में, सातों इमारतों में ये पूरा अधिकार दिया गया है कि वो कहीं पर भी मातृत्व अवकाश की छुट्टी ले सकती है, चाहे दुबई के बाहर कंपनी हो, चाहे कंपनी जंगल में हो, चाहे कंपनी दुबई के बीचों बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए होंगे मेरी बात को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ।